राधे राधे। लागी तुझसे लगन मेरा हो गई। अपना छोड़ा दिखा, हमने भाग नहीं पिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली ट्रैवलर। एंड आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वृंदावन के बांके बिहारी टेंपल, राधा वल्लभ टेंपल, राधा दामोदर टेंपल, वृंदावन के मंदिरों वाली होली, साथ ही यहाँ की स्ट्रीट होली, गलियों वाली होली, जिसे देखकर आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। एंड ऑलरेडी मथुरा के द्वारकाधीश टेम्पल एंड मथुरा के फालन गाँव की होलिका दहन, जिसमें मंदिर के पुजारी जलती हुई होलिका में प्रवेश करते हैं एंड सही सलामत वापस निकल आते हैं, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा। आज है 8 मार्च यानी कि होली वाला दिन एंड अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड अभी जस्ट मैं वृंदावन पहुंची हूं एंड यह है वृंदावन का वन ऑफ फेमस प्रेम मंदिर। जो मंदिर तो बंद है अभी मॉर्निंग टाइम में, बट लोग अभी से ही होली यहां पर खेल रहे थे। होटल में सामान रखने के बाद हम लोग निकल पड़े बांके बिहारी टेम्पल जाने के लिए एंड यहाँ आपको पूरे रास्ते में गुलाल मिलेंगे जो 10 रुपीज के, आई थिंक 100 ग्राम देते हैं। आप अपने शूज एंड स्लीपर होटल में छोड़कर आ जाएं या फिर यहाँ पर जूते चप्पल का स्टैंड बना हुआ है, यहाँ भी जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर हर जगह आपको प्रशासन की टीम नजर आएगी जो हमारी सेफ्टी के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए, होली के दिन भी अपने कार्यरत में लगे होते हैं हमारी सेवा के लिए। यहाँ पर हमें यह आंटी मिली जो चंदन से टीका लगा रही थी। सो वृंदावन में आए और राधे राधे ना लिखवाए ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमने भी बस राधे राधे लिखवा लिया। अगर मथुरा वृंदावन होली खेलने आ रहे हो तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आना, जैसे चश्मे, मास्क, हैट, स्टॉल। हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ आए थे बट कुछ देर के बाद ही हमारा हाल कुछ ऐसा हो गया था कि हमें पहचानना मुश्किल हो रहा था। होली के दिन जहां दूसरी जगहों में लोग शराब के नशे में धुत होते हैं, यहां पर लोग राधे राधे हरे कृष्णा की धुन में लीन नजर आते हैं। यहाँ पर आपको हर एज ग्रुप की लड़कियाँ, महिलाएं देखने को मिलेंगी। सो जिन्हें यह लगता है कि यहाँ की होली लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सेफ है या नहीं है, तो उन्हें मैं बता दूं हमारे शहरों और मोहल्लों की होली जितनी सेफ नहीं है, उससे कहीं ज्यादा सेफ मथुरा एंड वृंदावन की होली है लड़कियों के लिए। हाँ, यहाँ पर रस काफी ज्यादा होता है तो थोड़ा सावधानी बरते एंड अगर आपका अपना एक ग्रुप है तो आप काफी अच्छे से सेफली इंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज यहाँ पर महिलाएं अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ सेफली होली एंजॉय करते हुए देखेंगी। बांके बिहारी टेंपल में काफी ज्यादा रश था सो हमें हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, सो हम लोग आ गए राधा वल्लभ टेंपल में। राधा वल्लभ टेंपल बांके बिहारी के जस्ट बगल में स्थित है। यहाँ भी भीड़ काफी नजर आ रही थी क्योंकि मंदिर अभी जस्ट ओपन हुआ था, जिसकी वजह से वृंदावन की गलियों में भी रश काफी ज्यादा था। बट यह मंदिर स्पेशियस है तो यहाँ पर आप होली अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। इस मंदिर में 2 से 3 दिन होली सेलिब्रेट होता है। जब मैं लास्ट ईयर आई थी तो होली के दिन होली सेलिब्रेशन हो रहा था, पर जब इस ईयर आई हूँ तो होलिका दहन के दिन होली सेलिब्रेट हो गया था एंड आज के दिन यहाँ पर पुजारी लोग गुलाल उड़ाने से भी मना कर रहे थे। फिर भी लोग न सुनने को तैयार थे न मानने को तैयार थे, वो श्री कृष्णा के धुन में गुलाल पे गुलाल उड़ाए जा रहे हैं।
यहाँ के लगभग सारे मंदिर सुबह के 7-8 बजे ओपन हो जाते हैं, दोपहर के 12 बजे बंद हो जाते हैं, फिर दोबारा से शाम के 4-5 बजे ओपन होते हैं। यहाँ पर आकर यह अच्छा लगता है कि दूसरी जगहों में हम घरों में मोहल्ले में होली खेलते हैं, बट वृंदावन में मथुरा में यहाँ के मंदिरों में जाकर भगवान के साथ होली खेलते हैं। यहाँ पर पुजारियों के द्वारा प्रसाद के रूप में रंग और गुलाल भेंट स्वरूप दिया जाता है। यहाँ की गलियाँ, सड़कें, दीवारें रंगों से लिपटी हुई नजर आएगी। एक्चुअल में वृंदावन वो जगह है जहाँ पर आकर समझ आता है कि जिंदगी क्या है। यहाँ आकर लाइफ के अलग अलग रंगों से, इंडिया के अलग अलग रंगों से मिलते हो कि हमारी इंडिया में आज भी ऐसा शहर है जो पूरे रीति रिवाज के साथ, परंपरा के साथ होली जैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। एंड यहाँ पर इंडिया के कोने कोने से तो लोग आते हैं, साथ ही यहाँ पे देश विदेश से भी अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे जो सिर्फ होली इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमें भीड़ थोड़ा कम दिखा तो हमने एक बार और कोशिश की बांके बिहारी टेंपल के अंदर जाने के लिए, और इस बार बांके बिहारी ने हमारी सुन ली। इस बार मंदिर में भीड़ थोड़ा कम था क्योंकि जो प्रशासन की टीम थी भीड़ को 5 मिनट के लिए रोक रही थी। जब एक जत्था मंदिर से बाहर निकलता था तभी वो दूसरे भीड़ को अंदर आने देते थे। फिर भी अपने साथ यहाँ बच्चों को लेकर नहीं आए, साथ में अगर आप लेडीज हो तो एक ग्रुप में आए एंड सेफली आए। फाइनली प्रभु के दर्शन हो गए थे एंड हम लोग बहुत ही प्रसन्न थे एंड यहाँ से खुशी खुशी हम लोग निकल कर जा रहे थे दूसरे मंदिर में दर्शन करने के लिए। एंड यह ओल्ड वृंदावन वाली एरिया है जहाँ इसी स्ट्रीट से गुजरते हुए आप यहाँ के 5-6 और भी जो मंदिर है आप वहाँ पे इजिली जा सकते हो पैदल। हम लोग अभी पहुँच चुके हैं राधा दामोदर टेम्पल में एंड यहाँ पर भी होली का कार्यक्रम चल रहा था। इन सबको भक्ति के धुन में झूमते देखकर हमसे भी रहा नहीं गया एंड हम लोगों ने भी झूमना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे 12 बज गए थे, मंदिर बंद होने का समय हो गया तो यहाँ पर आरती स्टार्ट हो गई थी। राधे 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 श्री राधे राधे बांके बिहारी की जय। हम है लवली और ये है हमार दोस्त सीमा जो गलियों में भटक रहे हैं वृंदावन के गलियों में। अगर आना है तो देख ले होली से क्या दशा हुई, आगे पीछे दाएं बाएं ये देखे प्रसाद का भी क्या हाल हो रखा है। डर है कि इस हाल में देख के हमें अपने घर वाले पहचानने से मना कर दे। डर है कि फिलहाल हमें होटल वाले हम लोगों को पहचानने से मना कर दे।
सिकरी लागे तुमसे लगन मेरा हो गई लगन। गाना भी नहीं आता। आप लोग को लगा होगा कि हमने भांग पिया है, हमने भांग नहीं पी है, ये तो वृंदावन की गलियों की जादू है। ये नशा है, नशा वृंदावन की गलियों की नशा। हमने बहुत नशा किया कभी नहीं। आप एक बार वृंदावन की गलियों की सैर जरूर करें, होली जरूर खेलें। इस तरह से यहाँ की गलियों की होली को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँचे सांझी टेम्पल, जहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा। यहाँ पर हम लोगों ने काफी इंजॉय करा, जो आपको वीडियो देखकर समझ आ रहा होगा। इंडिया है सांझी मंदिर, तो यहाँ पर होली सेलिब्रेशन तो नहीं हो रहा था, बट हाँ आपस में लोग रंग खेल रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे, एक दूसरे को लगा रहे थे। नहीं नहीं भाई, इनका वेट कर रहा था कि डालो, बट हम लगा सकते हैं ना, आप मत डालना, हम लगाते हैं हैप्पी होली। फिर हम लोग पहुंचे निधि वन, जो कि बंद हो चुका था क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके थे एंड अब यह शाम में 4 या 5 बजे ओपन हो। यहाँ पर कभी भी किधर से भी आप पर रंगों का हमला हो सकता है, जैसे कि अभी हम पर होने वाला था, बट हम लोग पहले से ही रेडी थे। यहाँ की सड़कें देखो, पूरी तरह से रंगीन हो चुके हैं। आपको यहाँ की होली कैसे लगी, साथ ही यह वीडियो कैसा लगा, कि आपने भी हमारे साथ होली एंजॉय करा, तो कमेंट में जरूर बताना। रिटर्न होते हुए हमें यह मंदिर दिखा, जो है मदन मोहन टेम्पल। मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है, मंदिर थोड़ा हाइट पर स्थित है, आपको सीढ़ियां चढ़कर आनी होगी। मंदिर है जो लाल पत्थरों से बना हुआ है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड यहाँ पे भी होली का कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था, बस लोग अपने आप में आपस में होली खेल रहे थे। इस तरह से होली खेलते हुए दोपहर के 2:30 बज चुके थे, सो अब हम लोग अपने होटल जा रहे थे फ्रेश होने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी वृंदावन टेम्पल नाइट टूर वीडियो, जिसमें प्रियकांत जू टेम्पल, वृंदावन का वन ऑफ फेमस प्रेम मंदिर, जो मंदिर रात में बहुत ही खूबसूरत लगता है, यहाँ पे काफी रस होती है होली के टाइम में, और साथ ही मथुरा के बलदेव शहर दौजी का हुरंगा होली। ऐसी होली ना आपने अपने लाइफ में देखी होगी, ना सुनी होगी, ना ही कभी खेली होगी। यह होली पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।